गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको BM या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो बीमा वाला अध्याय नंबर 13 है, वो चल रहा है बीमा एक सामान्य परिचय। कल हमने बीमा से संबंधित अन्य शब्दावलियों को पढ़ा था, और हमने बीमा के क्षेत्र और प्रकार के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। आज हम उस अध्ययन को पुनः शुरू करेंगे, और उसके बाद में जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा आदि के क्षेत्रों पर उनको पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि बीमा का आधुनिक स्वरूप जो हमें देखने को मिलता बेटा, उसकी शुरुआत करीब 13वीं शताब्दी में हुई थी। और 13वीं शताब्दी में जब व्यापार होता था, वो ज़्यादातर व्यापार है वो सामुद्रिक व्यापार होता था, जलयानों से या नदियों के माध्यम से व्यापार होता था। तो बीमा की उत्पत्ति यदि विकास पर हम नज़र डालें बेटा, तो सर्वप्रथम सामुद्रिक बीमा का वर्णन हमें ज़्यादातर मिलता है, सामुद्रिक बीमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे अग्नि बीमा, जीवन बीमा और अन्य बीमे हैं वो प्रचलित हुए थे। तो इसके बाद धीरे धीरे अग्नि बीमा, जीवन बीमा और अन्य बीमे हैं वो प्रचलित हुए थे या प्रचार में आए थे। वर्तमान में अनेक प्रकार के बीमे हैं वो प्रचलित है, यानी कि आवश्यकता और जोखिम के अनुसार अलग अलग प्रकार के बीमे हैं वो बीमाकर्ताओं के द्वारा दिए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के बीमे हैं वो बीमाकर्ता के द्वारा नए नए बीमे लाए जाते हैं। बीमा क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है, और बीमाकर्ताओं का भी लगातार नए नए क्षेत्र है वो विकसित हो रहे हैं। तो इसलिए जो बीमा कंपनियां हैं उनका भी निरंतर विस्तार हो रहा है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन्हें निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से बेटा? बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कैसे होगा बेटा? दूसरा है व्यवसायिक आधार पर, इकोनॉमिक बेस के ऊपर। और तीसरा है जोखिम के आधार पर या रिस्क बेस पर वर्गीकरण। बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा के 5 क्षेत्र हैं बेटा। जीवन बीमा, जिसके अंतर्गत हम एश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। अग्नि बीमा और समुद्र बीमा, जिसके लिए इंश्योरेंस, एश्योरेंस और इंश्योरेंस याद है ना बेटा, कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो जीवन बीमा के लिए एश्योरेंस, और सामुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग है वो होता है। चौथा है सामाजिक बीमा, और पांचवा है विविध बीमा। तो जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा, विविध बीमा। जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध बीमा। तो जीवन बीमा है वो एश्योरेंस में आता है, मैंने आपको कल बताया था एश्योरेंस और इंश्योरेंस, ध्यान में ना। इन एश्योरेंस का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व है वो निश्चित होता है। जीवन बीमा संबंध में, अनुबंध में, बीमा संबंध में, जीवन बीमा के जो जितने भी अनुबंध है बीमा में, उनके लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंश्योरेंस, इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि की संभावना तो होती है लेकिन हानि का होना नहीं पाया जाता है, हानि की निश्चितता नहीं होती कि हानि होगी। क्षतिपूर्ति अनुबंध, जैसे कि अग्नि बीमा और समुद्री बीमा शब्द का प्रयोग है वो इंश्योरेंस शब्द के लिए किया जाता है। तो बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा के कितने प्रकार हो सकते हैं बेटा? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा, विविध बीमा। तो जीवन बीमा हो, चाहे अग्नि बीमा हो, चाहे समुद्री बीमा हो, चाहे सामाजिक बीमा हो, चाहे विविध बीमा हो, जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व है वो निश्चित होता है, उसे हम एश्योरेंस कहते हैं। जीवन बीमा से संबंधित जितने भी बीमा पॉलिसी है उसके लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूसरी ओर अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा, जिसमें
नुकसान का या जोखिम तो खतरा रहता है, लेकिन जोखिम का निश्चित होना नहीं पाया जाता, उसके लिए हम इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। अग्नि बीमा और समुद्री बीमा के लिए हम इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जीवन बीमा। जीवन बीमा के तहत जिसमें बीमा कंपनी लिखती है, अहर्निश सेवा में जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो बीमा के अंतर्गत व्यक्तियों के जीवन का बीमा कराया जाता है, जिसमें बीमे की विषय वस्तु क्या होती है बेटा, मानव जीवन होता है। कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी लेता है, अपने नाम से पॉलिसी लेता है, उसमें उसकी जो पॉलिसी की विषय वस्तु क्या होती है, उसका खुद का जीवन, उस मनुष्य का जीवन, उस व्यक्ति का जीवन जिसने बीमा कराया है, जिसने बीमा कराया है उसकी विषय वस्तु मानव जीवन होता है। जिसमें विषय वस्तु मानव जीवन होता है उसे हम जीवन बीमा कहते हैं। तो जीवन बीमा क्या होता है, एक बीमाकर्ता होता है और एक बीमित होता है। इसमें बीमाकर्ता क्या करता है, एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को होने वाले जोखिम से, होने वाला जो नुकसान है उसी की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। तो जीवन बीमा में क्या होता है, बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल लेता है और उसके बदले बीमित की मृत्यु होने पर या उसे किसी प्रकार का नुकसान होने पर जो उसका उत्तराधिकारी है, अथवा निश्चित अवधि के पूरा होने पर यानी कि मैच्योरिटी के पूरा होने पर बीमित को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। तो जीवन बीमा, मैंने आपको बीमा के बारे में 11वीं में बताया था, बीमा हर व्यक्ति को कराना चाहिए। जीवन बीमा हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, हर व्यक्ति को जीवन को अपने को अमूल्य मानना चाहिए और उसे जीवन बीमा तो बेटा जरूर लेना चाहिए। मोनिका बेटा, पूजा, प्रेरणा, सत्यदेव, सतवीर, राहुल बेटा, गुणानिया बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो जीवन बीमा के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तियों के जीवन का बीमा कराया जाता है। उसमें जो बीमे की विषय वस्तु होती है वो मानव का जीवन ही होता है, मानव का जीवन अमूल्य है। इसमें क्या किया जाता है, बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता है वो प्रीमियम प्राप्त करता है और उस प्रीमियम के बदले बीमित की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को या मैच्योरिटी होने पर निश्चित अवधि के पूरा होने पर बीमित को एक निश्चित धनराशि है वो उपलब्ध कराई जाती है, या निश्चित धनराशि को देने का वचन है वो दिया जाता है। तो जीवन बीमा है वो व्यक्ति के बीच या बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक अनुबंध है। इस अनुबंध के तहत या इस अनुबंध के अनुसार बीमाकर्ता बीमित से निश्चित प्रतिफल या प्रीमियम लेता है और बदले में बीमित की मृत्यु, उसको नुकसान, उसका जोखिम, उसका या उसके उसको किसी प्रकार के एक्सीडेंटल या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने पर या बीमा की अवधि पूरी होने पर, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, तो मैच्योरिटी के बाद एक निश्चित धनराशि को बीमित को देने का वचन दिया जाता है। मैंने कल बेटा आपको बताया था बीमा पत्र, तो बीमा पत्र क्या है, एक तरीके से बॉन्ड है जिसमें बीमाकर्ता बीमित के बीच में एक लिखित समझौता है, जिसमें बीमित बीमाकर्ता को एक प्रीमियम की राशि का निरंतर भुगतान करता है और बदले में बीमाकर्ता बीमित को उसके नुकसान होने पर, उसकी मृत्यु होने पर, उसके उत्तराधिकारियों को या बीमा की अवधि पूर्ण होने पर, मैच्योरिटी होने पर उसे एक निश्चित धनराशि को चुकाने का वचन देता है। इस बीमा पत्र में बीमित का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका उत्तराधिकारी नॉमिनी, उसकी प्रीमियम की राशि, उसकी बीमा की राशि, प्रीमियम की राशि की डेट, अधिकतम डेट, कितनी छूट मिलेगी, इसके अतिरिक्त मेच्योरिटी कब होगी, मेच्योरिटी होने पर कितना भुगतान किया जाएगा, इन सभी का उल्लेख बीमा पत्र पर होता है। बीमित को, बीमित यानी हम स्वयं मान के चले, बीमित को एक निश्चित समयावधि तक प्रीमियम की राशि चुकानी होती है, यानी मैंने 20 साल के लिए
जैसे तुम्हारे सर कैलाश सर है, उन्होंने 20 साल के लिए अपनी बीमा पॉलिसी ली है, तो मैं क्या करूँगा, 20 साल तक प्रीमियम की राशि चुकाऊंगा, और 20 साल होने पर जब मेरा बीमा है वो समाप्त तो हो जाएगा, तो बीमाकर्ता, जैसे मैंने LIC से पॉलिसी ली है, तो LIC मुझे एक बाकायदा चेक जारी करेगा, चेक में मेरा पैसा होगा और उस चेक को बैंक के द्वारा जमा कराया जाएगा और बैंक में वह राशि आ जाएगी और वह राशि मुझे मिल जाएगी। यदि बीमित निश्चित प्रीमियम की अवधि से पहले ही मर जाता है, यानी मेरी अगर मैं बीमित हूँ और एक निश्चित प्रीमियम राशि अवधि से पहले, जो मैंने मान लो कुछ प्रीमियम की राशि या कुछ किस्त चुकाई है और उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरा जो उत्तराधिकारी जो नॉमिनी है उनको आगे प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, बल्कि बीमित की मृत्यु होने की दशा में जो उत्तराधिकारी है, नॉमिनी है, उनको बीमा की राशि है वो मिल जाती है, उनको प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि उन्हें जो बीमा की राशि है, पूरी की पूरी राशि है, वो मेरे उत्तराधिकारी, मेरी मृत्यु होने पर, एज ए बीमित होने पर, मेरी मृत्यु होने पर मेरे उत्तराधिकारी, मेरे नॉमिनी को वह राशि, पूरी राशि जो बीमा की राशि है वो मिल जाएगी, बदले में उन्हें प्रीमियम नहीं चुकाना होगा। जीवन बीमा बीमित और परिवार के सदस्यों को जीवन बीमा, मैंने जैसे आपको बताया मैंने बीमा पॉलिसी ले रखी है, मैंने अपने लिए भी ले रखी है और अपने परिवार के लिए भी ले रखी है, उसमें परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, इसमें बीमित और इसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन का उसका बीमा योग्य हित बीमा करवा सकता है। इसमें क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन का, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने बच्चों का बीमा करवा सकता है। जीवन बीमा में हमारा जो मोटो है जीवन बीमा का उद्देश्य क्या होता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जीवन बीमा में सुरक्षा के साथ साथ एक तरीके से हम धन का निवेश करते हैं। हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या एश्योरेंस कॉरपोरेशन, के साथ साथ कुछ निजी कंपनियां, जैसे कि निजी कंपनियां भी, वो भी बीमा कराती हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा, बजाज एलियांस, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ और ICICI प्रोडेंशियल आदि द्वारा, ये प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनके द्वारा भी बीमा किया जाता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC बोलते हैं सामान्यतः, इसके अलावा कोटक महिंद्रा, बजाज एलियंस, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, ICICI प्रोडेंशियल आदि के द्वारा बीमा प्राइवेट क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक समझौता होता है और जीवन का, व्यक्ति का जीवन है वो अमूल्य होता है, जिसमें बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान एक निश्चित अवधि के लिए करता है और बदले में अवधि के पूर्ण होने पर, मैच्योरिटी होने पर, अवधि के पार होने पर बीमाकर्ता उसे आर्थिक या उसकी रकम या उसका रकम के साथ उसका ब्याज देने का वचन देता है, उसके लिए बॉन्ड होता है, जिसमें बीमित और बीमाकर्ता का एक समझौता है, वो लिखित अनुबंध के रूप में होता है। दूसरा है बेटा अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस, यहाँ पर इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया गया है, देख लो, फायर इंश्योरेंस। जीवन बीमा ने हमने पढ़ लिया है, अब अग्नि बीमा। अग्नि बीमा क्या है बेटा, अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से, जिसमें बीमाकर्ता बीमित को, जैसे बीमित मैं हूँ और मेरी दुकान है, मेरी दुकान में सामान में आग लग गई, या मेरे रुई की फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई, या दुकान है उसमें आग लग गई, तो आग लगने से जो संपत्ति का जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है, यह क्षतिपूर्ति का बीमा होता है। इसमें हम इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, अग्नि बीमा और समुद्र बीमा के लिए हम इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें बीमाकर्ता द्वारा वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है, कितनी हानि होती है। अग्नि बीमा सामान्यतः एक वर्ष के लिए किया जाता है, एक वर्ष में
यदि आपने प्रीमियम चुका दिया है, और सामान्यतः अग्नि बीमा की अवधि बेटा 1 साल होती है, 1 साल के खत्म होने पर अग्नि बीमा से प्राप्त होने वाला लाभ है वो हमें नहीं मिल पाता, उसके लिए हमें पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है। तो अग्नि बीमा क्या है, जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग से जो नुकसान हुआ है, संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उसकी क्षतिपूर्ति का वचन देता है। इसे हम क्षतिपूर्ति का बीमा कहते हैं, जिसमें बीमाकर्ता द्वारा केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है बेटा, वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति होती है। अग्नि बीमा उसकी अवधि कितनी होती है बेटा, 1 वर्ष होती है। अग्नि बीमा है वो 1 वर्ष के लिए किया जाता है। यदि 1 वर्ष के बाद में हम उसे आगे रखना चाहते हैं तो हमें रिन्यू करना पड़ेगा और प्रीमियम भरना पड़ेगा। यह बीमा आग से होने वाले, तो यह बीमा है वो आग से जो नुकसान हुआ है उसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि अग्नि बीमा है वो आग के नुकसान के अलावा जो अन्य कारणों से परिणामजनक हानियाँ उनकी भी क्षतिपूर्ति करता है। जैसे कि यह बीमा जैसे दंगे हो गए, उपद्रव हो गया, बलवे हो गए, यानी कि भीड़ ने एक दुकान को जला दिया, उपद्रव हो गया, शहर में अशांति हो गई, गैस विस्फोट हो गया दुकानों में, भूकंप आ गया, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, जल प्लावन या जल की प्रलय हो गई, बाढ़ से वायुयान से क्षति हो गई, बिजली गिरने से जो जोखिम हो गया, इन जोखिमों से संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमा करवाया जाता है। तो अग्नि बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अग्नि बीमा बेटा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से संपत्ति को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यह क्षतिपूर्ति का बीमा कहलाता है। यह क्षतिपूर्ति का बीमा इसलिए इसके लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंश्योरेंस शब्द मैंने आपको कल बताया था ना, इंश्योरेंस शब्द किसका प्रयोग किया जाता है, इंश्योरेंस शब्द देख लो, ये रहा, इस शब्द का प्रयोग है वो क्षतिपूर्ति के अनुबंध के लिए होता है, इसे हम क्षतिपूर्ति का अनुबंध कहते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हानि की संभावना तो रहती है लेकिन हानि का होना निश्चित नहीं होता। क्षतिपूर्ति अनुबंध के लिए हम इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्षतिपूर्ति अनुबंध अग्नि और समुद्र बीमा शब्द के लिए शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको समझाया है, अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति का वचन देता है। इसे क्षतिपूर्ति का बीमा भी कहते हैं। इसमें बीमाकर्ता द्वारा केवल वास्तविक हानि का भुगतान किया जाता है, वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। अग्नि बीमा की अवधि कितनी बेटी, 1 साल होती है। बेटा कितनी होती है, 1 साल होती है। यह बीमा आग से होने वाले नुकसान के अतिरिक्त जो कुछ अन्य नुकसान होते हैं उसकी भी क्षतिपूर्ति करता है। जैसे कि कोई दंगा हो गया, कोई बलवा हो गया, कोई उपद्रव हो गया, कोई गैस विस्फोट हो गया, कोई सिलेंडर फट गया, कोई भूकंप आ गया, कोई आंधी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई जल प्लावन आ गया, कोई वायुयान की क्षति हो गई, बिजली गिरने से कोई क्षति होगी, आदि जोखिम की संपत्ति से सुरक्षा के लिए करवाया जाता है। जो आधुनिक औद्योगिक युग में अग्नि बीमा का महत्व बहुत बढ़ गया है। कारखाने, गोदाम, दुकान, आवासीय बस्तियों में अग्नि का खतरा हमेशा बना रहता है। चाहे कारखाने, चाहे गोदाम हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे निगम हो, चाहे उद्योग हो, वहाँ से आग लगने का खतरा रहता है। अत्यधिक विद्युत के उपयोग से या विद्युत युक्त निर्माण प्रक्रिया से भी सभी जगह अग्नि से हानि का जोखिम है वो बढ़ जाता है। तो अग्नि बीमा है वो बहुत ही समय की आवश्यकता है, इसका महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। तो कारखाने, गोदाम, दुकान, आवासीय बस्तियों में अग्नि का खतरा रहता है। ये 1 वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के पश्चात इसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो मैंने आज आपको अग्नि बीमा और जीवन बीमा के बारे में बताया। इसको लिखना है बेटा, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।